वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी 7 बजे और मैं उठ चुका हूँ गाइज। आज है आखिर तीज, तो सभी लोग तो ऊपर चले गए छत पे और मुझे भी फटाफट छत पर जाना है और पतंग उड़ानी है ढेर सारी। तो फटाफट से टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वैसे हम चलेंगे छत पर गाइज। तो आप भी कहीं मत जाइए गाइज, तो फटाफट मेरे साथ चलिए छत पर और पतंग उड़ानी है ढेर सारी। गाइज पतंगबाजी के लिए स्पेशल नचनिया बुलाई गई है और वो जैसे ही पतंग काटेंगे वो नाचेगी नचनिया। नचनिया देखो ऊपर चढ़ चुकी है और ये देखो ये नचनिया भी, ये देखो स्पेशल क्या नचनिया है गाइज। और पतंग कटी भी नहीं है फिर भी ये शुरू हो गई है। अभी हमने एक पतंग लूटी है, लेकिन यार ये मुझे गलत लगता है कि यार लोग ये चांदी मंदिर के साथ पतंग उड़ाते हैं, यार ये मुझे काफी बढ़िया नहीं लगता, गलत है यार, इससे नुकसान होता है इंसानों का भी और पक्षियों को भी हो, तो ये गलत है। चांदी मंदिर से नहीं उड़ानी चाहिए, इस मंदिर से उड़ाओ मजा भी आता है पतंग उड़ाने में और यही सही है। हम भी इस मंदिर से उड़ाते हैं। हमारे पास ये देखो ये मंदिर है, ये वाला एक, ये वाला मंदिर है और एक और दिखाता हूँ आपको, एक ये वाला है और ये भी एक और पड़ी है खाली, इसमें थोड़ा बहुत है अभी, तो बहुत खूब मंजा बड़ा है और पतंगे भी खूब है, बस उड़ाने वाले चाहिए क्योंकि मैं उड़ाऊंगा तो आपको पता है खूब पतंगे कटवानी है आज। काटने में मैं कम यकीन रखता हूँ, मजा आता है कटवाने में पतंग। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था जी। हम टेप भी ऐसे लाए हैं जैसे बीकानेर नाम लिखा हुआ है, आज नाम रोशन कर देंगे बीकानेर का। भाई पतंग बीकानेर से बाहर निकलेगी। अच्छा शुभम काइट वाले से लाए हैं, ये भी लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी है। ये आज पतंग बहुत दूर जाने वाली है, सोची समझी सारी। शुभम काइट, अच्छा ये टेप भी उनकी स्पेशल बढ़िया टेप है। मैं वेट कर रहा हूँ फटाफट उड़ाए पतंग और मैं छीन लू उससे। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता भाई। और ये स्लेश लटाई वाला, तो पतंग उड़ा रहे हैं। जहां तक मेरा तजुर्बा है ये पतंग कटेगी और इसको पता भी नहीं चलेगा कैसे कटी है, और फिर ये वही शकल लेके अपनी गंदी आ जाएगा, बोले नहीं पतंग दे दो तो गेम बजाना पड़ेगा। पतंग ये री योगेश समेटते हुए कैसा लग रहा है? मेरी कोई गलती नहीं है यार पतंग, क्योंकि यार ये मन से ही गंदा है यार, ये पता नहीं पुराना कहाँ से लाया है इसलिए पतंग कट गई, वरना आपको पता मैं कितनी अच्छी पतंग उड़ाता हूँ। मस्त जोक मारा रे। हाँ ये इसमें कमी है गाइस, कुछ ना कुछ कमी है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। मेरी बात सुन, हाँ किसको पता है कि तू कैसे पतंग उड़ाता है? सबको पता है मैं बहुत खतरनाक पतंग उड़ाता हूँ। ये मैंने पतंग उड़ाई थी रे, तो सबकी पतंग कट गई थी, मैं पतंग उड़ रही थी क्योंकि मैंने किसी पेज नहीं किया। फिर रात पतंग उड़ाई थी या फिर दिवाली पे? मैं होली पे उड़ाई थी, उड़ाई थी यार वो पतंग, फिर नीचे नहीं आई, फिर मैंने उसको छोड़ना पड़ा, फिर थक गया था। तो गाइस ये मैन की पतंग उड़ा ली और अब मजा आएगा पतंग उड़ा के। मैन की पतंग उड़ाने का अलग ही मजा है, अलग ही स्वाद है। मामू की एंट्री हो चुकी है और आते ही मामू ने 2 किन्निया काट दी है। ओ भाई 3, ओ टेढ़े को सब पता है। और ये सेवा समाप्त हो गई है, मेरे मोबाइल शुरू करते ही सेवा समाप्त हो जाती है गाइस। भाई साहब गाइस भर भर के पतंग आ चुकी है। ये मैन की गिन्नी मैं उड़ाऊंगा, ये वाली गिन्नी। इधर देखा, ये देखो ये मैन की गिनी लाया गाइस, ये मेरी फेवरेट है, इसको मैं उड़ा दूंगा और फाड़ दूंगा और पता नहीं क्या कर दूंगा। और ये हमारे गद्दू भैया हैं जिनसे पतंग उड़ती नहीं है, ये मेरे कॉम्पिटिटर हैं। कॉम्पिटिशन होएगा तो सिर्फ मेरे और गद्दू भैया में, हम 2 ही हैं, बाकी तो मुकाबला नहीं है हमारा। और कॉम्पिटिशन यही होता है कि क्या गद्दू भैया पतंग उड़ा पाएगा या मैं, देखते हैं दोनों से कौन पतंग उड़ा पाता है। और ये गद्दू भैया कॉम्पिटिशन हार जाएगा मेरे को लगता है। अरे 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 क्या होता है, व्हाट इज दिस गद्दू भैया? गद्दू क्या दिक्कत आ रही है पतंग में, कोई दिक्कत है क्या? क्या क्या कहना चाहते हो आप इसके बारे में? इसके तीजे थोड़ा सा खराब है क्या बात, ये बात है देखते हैं। ये पतंग मेरे को लगता नहीं है गद्दू भैया चैलेंज जीत पाएगा, और ये किन्नी जो है ये मैं ही उड़ा पाऊंगा गाइस। Look at this man. He's the number one bullshit guy. Oh my God.
गज्जू भाई, अब एक डायलॉग याद आ गया कि उड़ती उड़ती खबर आई है और जिनसे पतंग ना उड़े वो गज्जू भाई है। चेतन है, चेतन चेतन ओ चेतन ओ भाई कनिया बहुत है, किन्नी उड़ानी है भाई? ये कौन सी पतंग है? ये उड़ानी है मेरे को। हमारे लिए आ चुके थाली भर के पास्ता, और ये पास्ता खा के हम करेंगे नाश्ता। तो गाइस भाभी जी लेके आए हेलमेट, अब हेलमेट पहन के पतंग उड़ाएंगे क्योंकि यार कट ना जाए गर्दन मंजे से। चेतन ले, ये ले भाई, सुरक्षा सुरक्षा ही जीवन है। तो गाइस अभी एक बज चुके हैं और हम धूप में भी लगे हुए हैं क्योंकि पतंग इतनी उड़ रही है और हवा भी सही चल रही है। तो अभी भी हम लगे हुए हैं, बारी बारी पतंग उड़ा रहे हैं। हमारे लिए एक खीचड़ा और ये मिर्च है और पता नहीं क्या क्या है और जो भी है, अभी हम यहाँ पे खाने वाले हैं। पानी पा रहे हैं। तो गाइस चार बज चुके हैं और हम वापस आ गए हैं नागर और तैयार हो गए। कैसा लगा मेरा मजाक? पतंग उड़ाएंगे। इतना सूरज धूप तेज नहीं है तो अभी ये भाई पतंग उड़ा रहे हैं। और कैसे भाई, मजा आ रहा है पतंग उड़ा के? भाई मजा तो आ रहा है लेकिन यार बार बार हवा चेंज हो रही है। अच्छा आज ये चल रहा है हवा, कभी इधर की कभी उधर की, लेकिन मजा आ रहा है। गाइस तीन तीन पतंग लूट रही है, एक छत पर तीन तीन पतंग उड़ रही है, एक इधर, एक ये ब्लैक वाला इधर और एक ये ऊपर। अरे ध्यान रखो भाई, अलग ही माहौल चल रहा है। गाइस गाइस अभी चेतन के साथ छोटा सा प्रैंक करते हैं कि वो पतंग उड़ा रहा है और उसको कुछ पता नहीं है, तो पीछे धागा काट देंगे। अभी आपके साथ रहूं, दिखाता हूं आपको मैं। भाई सब प्रैंक करने जा रहे हैं एक बार फिर से, एक बार फ्लॉप हो गया लेकिन हम मानने वालों में से है नहीं, आपको पता ही है। और ये पतंग उड़ाते टाइम आप मुंह क्यों खोलते हो गाइस? ये आपके कोई सीक्रेट ट्रिक है क्या? कहाँ से लाया ये टेक्निक? और ये दांत दिखाने वाले टेक्निक है। और गोप सा तो ये बाल में मगन हो जाते हैं और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं और ये पता नहीं कैसे पतंग उड़ा रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और ढील मांग रहे हैं और ढील क्यों मांग रहे हैं ये मुझे पता नहीं है। देख तू भाई कहीं कर रही है। पर ध्यान रखो यार गाइस क्या कर। लगभग 7 बजने वाले हैं और अब पतंग उड़ाने का अलग ही मजा है, हवा भी सही चल रही है और मौसम तो एक नंबर और का है। अभी आपको दिखाता हूँ हमारी पतंग है वो वाली ब्लू वाली, और अभी उनसे येलो वाली से देखते हैं पेच करें। और ये हमारी पतंग पता नहीं कैसे गई है, मेरे को खुद को पता नहीं चला है, और पतंग सिर्फ और सिर्फ लटाई समेटने के लिए लगाया गया है। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। गाइस खूब पतंग उड़ा ली है, अब लगभग रात भी होने वाली है तो थक गए हैं पतंग उड़ा उड़ा के। मजा भी बहुत आया और आपको मजा आएगा, एंजॉय किया होगा, आपने भी पतंग उड़ाई थी खूब। तो इसी के साथ ये ब्लॉग हम यहीं खत्म करेंगे, हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।